सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टिट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला में हूँ मेहुल गोस्वामी आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत करू छू। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 8 विषय सामान्य ज्ञान तेमा प्रथम सत्र की अंदर आप लेक्चर पहलो जैसे ही जोवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, आनी पहला मैं तमने एक पीडीएफ मोकली थी और पीडीएफ पछीना जे सवालों छे ते हूँ तमने विडियो स्वरूपे जैसे ही रजू करू छू। तेमनी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे जोईए तो के सवाल नंबर 34 तो के भाई ग्राम पंचायतोने नाना प्रजासत्ताक एकमो तरीके कोणे ओळखावी हती, तो के तेमनो जवाब आवशे बी सर चार्ल्स मेडकाफ नामना व्यक्तिए जे छे नाना प्रजासत्ताक एकम तरीके ओळखावी हती। त्यार पछी छे ग्राम पंचायतना सरपंच क्या राज्यमां चेरपर्सन तरीके ओळखाय छे, तो के तेमनो जवाब छे सी अरुणाचल प्रदेश। त्यार पछी 37मो सवाल, आपणा बंधारणनी कई कलम पंचायती राजनी व्याख्या करे छे, तो के तेमनो जवाब छे ए 243 कलम। त्यार पछी पंचायतोना अधिकार क्षेत्रमां केटला विषयो राखवामां आव्या छे, तेमनो जवाब छे बी 29। त्यार पछी वर्ष 1687 भारतमां सौ प्रथम महानगरपालिकानी स्थापना क्या करवामां आवी, तेमनो जवाब छे सी मद्रास। त्यार पछी आमांथी कई जिल्ला ग्राम विकास एजेंसीनी समिति नथी, जवाब छे ए पाणी समिति। त्यार पछी सरपंच तथा उपसरपंचने सस्पेंड करवानी सत्ता कोने होय छे, जवाब छे बी जिल्ला विकास अधिकारी। त्यार पछी लोकशाही विकेंद्रीकरणनी व्यवस्थाने कोनो पायो कहेवामां आवे छे, जवाब छे सी पंचायती राज। गुजरात राज्यमां हालमां केटली तालुका पंचायतो छे, तो के जवाब छे बी 249। आ विद्यार्थी मित्रों 2016 जे छे सवाल छे, अत्यारे अपडेट आपणे जोईए तो के भाई 252 नी आजूबाजू जोवा मळे छे। त्यार पछी से आंतरराष्ट्रीय व्यापार नीचेनामांथी क्या खर्च तफावतमां शक्य नथी, जवाब छे ए सरखा खर्च तफावत। त्यार पछी पेशंट फंड रेग्युलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी PFRDA नुं मुख्य मथक क्या छे, जवाब छे बी नवी दिल्ली। त्यार पछी प्रछन्न बेरोजगारीनो सामान्य अर्थ, तो के तेमनो जवाब छे सी श्रमिकनी सीमांत उत्पादकता शून्य होवी। त्यार पछी से भारतीय अर्थव्यवस्थाना संदर्भमां मुक्त बजार प्रचालन सेनो निर्देश करे छे, जवाब छे सी RBI द्वारा सरकारना उधार अने चुकवणा एटले के खरीदी अने वेचाण। त्यार पछी भारतमां नीचे आपेलामांथी कोनी कृषि तथा संभवित गतिविधिओमां ऋण वितरणमां सौथी वधु हिस्सेदारी छे, तो के जवाब छे ए वाणिज्य बैंकोनी। त्यार पछी स्वतंत्र भारतनी अर्थव्यवस्थाना संदर्भमां नीचेनामांथी कई सर्वप्रथम घटित थयेली घटना हती, जवाब छे सी बैंकिंग रेग्युलेशन एक्टनो अधिनियम। त्यार पछी थोड़ा आपणे सवालो सामान्य विज्ञान अने टेक्नोलॉजीना जैसे विद्यार्थी मित्रों जोवाना छे, तेमां सवाल नंबर 49 वनस्पति प्रकाशसंश्लेषण द्वारा क्या स्वरूपे खोराक बनावे छे, जवाब छे ए स्टार्च। त्यार पछी जलवायु क्या बे वायुओनुं मिश्रण छे, जवाब छे बी कार्बन मोनोक्साइड अने हाइड्रोजन। त्यार पछी वनस्पति तेलमांथी वनस्पति घी बनाववा क्या वायुनो उपयोग थाय छे, जवाब छे सी हाइड्रोजन। त्यार पछी लोही गठाई जवानी प्रक्रियामां क्यू विटामिन मददरूप छे, तो के जवाब छे ए विटामिन के। खनिज क्षारना क्या तत्वनी उणपथी गोइटर नामनो रोग थाय छे, जवाब छे ए आयोडीन। त्यार पछी मानवीय शरीरमां किडनी अंग क्यू कार्य करे छे, जवाब छे ए लोहीने शुद्ध करवानुं। त्यार पछी पुख्त मानवीमां नाना आંતરડાની લંબાઈ લગભગ કેટલી હોય છે, જવાબ છે બી 6.5 મીટર। ત્યાર પછી લોહીનો નમૂનો લીધા પછી તપાસ અર્થે લેબોરેટરીમાં કેટલા સમયમાં મોકલવાનો રહે છે, જવાબ છે 48 કલાક સુધીમાં। ત્યાર પછી એડિસ ઇજિપ્ત મચ્છરનું બિડિંગ ક્યાં સ્થળે વધુ પ્રમાણમાં થાય છે, જવાબ છે B
बी घरनी अंदरना पानीना स्त्रोत में। त्यार पछी एआरटी सेंटर पर सेनी सारवार आपवामां आवे छे? जवाब छे सी एचआईवी नी सारवार आपवामां आवे छे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों हिमोग्लोबिन नी तपास माटे सामान्य रीते क्यों सोल्यूशन वापरवामां आवे छे? जवाब छे 10% एचसीएल। डायरेक्ट टू होम प्रसारण माटे भारतीय अवकाश में क्यों उपग्रह तरतो मूक्यो छे? जवाब छे बी इन्सर्ट फॉर ए। अष्टकनो नियम क्या वैज्ञानिके आप्यो हतो? अष्टकनो नियम क्या वैज्ञानिके आप्यो हतो? जवाब छे न्यूलैंडे। त्यार पछी आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों तो कि भाई भारत देश में परमाणु ऊर्जाना उपयोग क्या हेतु माटे थाय छे? जवाब छे शांतिना हेतु माटे। कैल्शियम ऑक्साइड एटले शुं? जवाब छे बी कड़ी चूनो। प्रकाश वर्षा एकम है तो कि भाई विद्यार्थी मित्रों जवाब है अंतरनो। विद्यार्थी मित्रों अपने आपो लैक्चर अँ सुधी जैसे राखी छे आनी पछीना लैक्चर में विद्यार्थी मित्रों हूँ तमने पीडीएफ मोकलीश पछी पाछो लैक्चर आवशे एटले वीडियो मोकलीश। एक वीडियो एक पीडीएफ आवी रीते आपणे अभ्यासक्रम जैसे विद्यार्थी मित्रों चलावानो छे। आपणे अँ सुधी आपणो वीडियो राखी छे। जय हिंद जय भारत।